नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे नए YouTube चैनल वर्तमान भारत में। मैं गणेश खरजूल। आज का टॉपिक है 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं अभी कुछ एक हफ्ते भर के बाद, तो वो चुनावों में कौन सी पार्टी का गवर्नमेंट किसके साथ बनेगा और क्या होगा, ये आपको मैं बताने वाला हूँ। ये रुझान, एग्जिट पोल, ये सब तो आप न्यूज़ चैनल में देख चुके हैं, ये तो लगातार आते ही रहते हैं न्यूज़ चैनल में। कोई कुछ कहता है, कुछ कुछ कहता है, लेकिन मैं आज आपको एक चौंकाने वाले खुलासा करने वाला हूँ। मैं बात करने वाला हूँ गोवा, गोवा राज्य की। वहाँ पे बहुत सारे न्यूज़ चैनल ने बताया है कि वहाँ पे कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा, वहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट आई। लेकिन जो ग्राउंड लेवल की हकीकत है वो बहुत ही अलग है, ये मैं आपको आज विस्तार से बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो बात करते यूपी और पंजाब राज्य की। उसमें तो आप सभी को मालूम है वो चुनाव रुझान, अभी जो रुझान आए एग्जिट पोल के, सॉरी एग्जिट पोल ने ओपिनियन पोल जो दिखाया था उसमें बहुत सारे लोगों ने बताया कि यूपी में योगी जी की सरकार आने वाली है। यह तो 100% है, योगी जी इस बार फिर से मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और वो भी ऑलमोस्ट 250 के आगे क्रॉस करके एक बार फिर से योगी जी एक मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। और इसमें समाजवादी पार्टी का सुपड़ा फिर से 100 के नीचे जाने वाला है, 80 से 100 के बीच उनको सीट आने वाली है। बाद में पंजाब का भी कुछ चैनलों ने बताया कि वहाँ पे कांग्रेस आएगी, लेकिन मैं आपको एक बताता हूँ, वहाँ पे आप और कांग्रेस के बीच में बहुत ही कांटे की टक्कर होने वाली है। मैं अभी उनको 50-50 चांस देता हूँ। अभी आते हैं मेन अपना टॉपिक पे, गोवा की बात। दोस्तों गोवा की ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट बहुत ही अलग है। अभी फिलहाल उत्पल परिकर जी को उन्होंने बीजेपी गवर्नमेंट ने कुछ सपोर्ट किया नहीं है, ना उनको उम्मीदवारी दी है बीजेपी की तरफ से, इसलिए वो इंडिपेंडेंट खड़े हैं। और उत्पल परिकर ये भारी वोटों से जीत के आने वाले, ये 100% तय है। अभी मैं बात करता हूँ कांग्रेस और बीजेपी के बीच की। बहुत सारे चैनलों ने बताया कि बीजेपी वहाँ पे मेजोरिटी से आने वाली है, लेकिन मैं दोस्तों आपको एक आज क्लियर कट बता रहा हूँ, वहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मैक्स टू मैक्स 2 से 3 सीटों का फासला होने वाला है। 2 से 3 सीट, इससे न कम न ज़्यादा। मेरे पास कुछ रिपोर्ट भी आई है, एक्चुअली मेरे कुछ दोस्त और कुछ पहचान वाले रिपोर्टर गोवा से हैं, और पिछले हफ्ते में गोवा में भी एक पर्सनल काम से गया था। उसमें कुछ ग्राउंड हकीकत जो मैंने देखी है वहाँ पे कांग्रेस के पक्ष में बहुत सारे लोग हैं। और वहाँ पे और एक चौंकाने वाला खुलासा करने वाला हूँ मैं, वहाँ पे शिवसेना बहुत ही ज़बरदस्त एंट्री करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आप सेव करके रखिए। आप बोलेंगे अरे शिवसेना महाराष्ट्र के बाहर तो गई नहीं, गोवा में क्या करेगी, लेकिन मैं आपको आज बताने वाला हूँ दोस्तों, शिवसेना, आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस, ये तीनों पार्टी की मदद के बगैर वहाँ पे गोवा में मुख्यमंत्री का पद किसी को मिलने वाला नहीं है। ये आप आज लिख के रखो, आप ये वीडियो सेव करके रखो। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, उसमें ये मैं बताता हूँ आपको। बीजेपी का 14 से 16 सीट के बीच आने का अंदाजा है, कांग्रेस का 12 से 14 सीटों के बीच का आने का अंदाज है, और बचा हुआ जो 10 से 12 सीट है, देखिए कोई भी चैनल ने ये बताया नहीं कि इतने 10 से 12 सीट बाकी पार्टियों के बीच डिवाइड हो गई, ये किसी से चैनल ने नहीं बताया, मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। ये 10 से 12 सीटों के बीच शिवसेना को 2 से 3 सीट 100% मिलने वाली है, बाद में तृणमूल कांग्रेस को 2 से 3 सीट और आम आदमी पार्टी को 3 से 5 सीट। अब बाकी बचे हुए इंडिपेंडेंट, उसमें उत्पल परिकर जी का एक है और एक दो है, ऐसे एक
दो से तीन इंडिपेंडेंट सीट भी आने वाली है। तो कुल मिला के जो 10 से 12 सीट चुनाव के बाद किसको समर्थन देते हैं उसके ऊपर गोवा का मुख्यमंत्री निर्धारित होगा। लेकिन मैं ये भी बता देता हूँ, चुनाव होने के बाद कांग्रेस, शिवसेना, टीएमसी और आप, ये लोगों का गठबंधन होने के बाद सीएम पद का उम्मीदवार इनमें से ही बनने वाला है। ये भी मैं आपको लिख के देता हूँ आज। बस आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा रहेगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आगे का वीडियो मैं जल्द से जल्द जानने वाला हूँ। धन्यवाद दोस्तों।